हमारा आरक्षण ने किया था उस बिलीफ को पार्लियामेंट स्वीकार करेगी बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कानून के मुताबिक। धारा 370 और 35A को लेकर क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री की बैठक में? नहीं, धारा 370 कोई इशू ही नहीं है। सवाल ये है कि धारा 370 को सरकार कहती है खत्म कर दिया है, तो 370 का क्लास 1 क्यों जिंदा रखा है? इसलिए जो सरकार कह रही है उसको मीडिया को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसमें क्लास 371 को अभी तक जीवित क्यों रखा है, नंबर वन। नंबर टू, 370 धारा थी जिसकी सेफ्टी में जिसको आर्टिकल 370 के कंट्रोल में रखा है, 370 आपने हटा दी तो सुनिए, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्या हुआ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मामला कुछ महीनों में कुछ दिनों में इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाला है, यूनाइटेड नेशन में तो आएगा ही। इसलिए आज मोदी जी ने जो मीटिंग बुलाई है एक बड़ा जुल्म से काम किया है, वेरी बोल्ड डिसीजन। प्रधानमंत्री मोदी से क्या उम्मीदें हैं आपको बैठक में? मुझे मोदी जी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों की एकता भाईचारा और सेकुलर आवाज से उम्मीद है। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री ने बुलाया है 14 लोगों को, हमें बात सुनेंगे और बात सुन के फैसला करेंगे, वहाँ कहेंगे हमने एजेंडा क्या है। लेकिन जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी जम्मू कश्मीर की स्टेट जो महाराजा गुलाब सिंह ने 1441 में बनाई थी, उस स्टेट का रेस्टोरेशन नहीं जुड़ी है। तो देखिए आर्टिकल 370 और 35A को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये सारे राजनीतिक दल जिस बात पर एक मत नजर आ रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है और हर किसी को ये उम्मीद है कि आज इस मीटिंग के जरिए जम्मू कश्मीर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।